जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि ऐसी डाइट नहीं लेनी है, ये डाइट बहुत ज्यादा गर्म करती है, इससे और भी ज्यादा पिगमेंटेशन फैलता है, मेलास्मा फैलता है, तो मेरे पास लाखों कमेंट आया था कि मैम अभी तक तो हम यही डाइट ले रहे थे और हमारा पिगमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, घटने की बजाय और ज्यादा आसमान छू रहा था, बढ़ रहा था। वेलकम बैक टू माई चैनल सालू ब्यूटी रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो का बस यही माध्यम है आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना कि कौन सी चीजें अच्छी होती है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है। अच्छी का मतलब ये है कि पिगमेंटेशन मेलास्मा वालों के लिए कौन सी चीजें बेस्ट होती हैं, क्योंकि देखिए हमारी स्किन तो नॉर्मल नहीं रह गई है ना, पिगमेंटेशन मेलास्मा वाली हो गई, और इस स्किन की बहुत ज्यादा केयर हमें हमेशा करनी पड़ेगी, तभी हमारी स्किन हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इतना गर्म क्यों करती है? क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, वो पुरुषों की बॉडी से बिल्कुल भी अलग होती है, हम महिलाओं की बॉडी, हमें हर महीने पीरियड्स आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और आपकी बॉडी अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है और आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन मेलास्मा है और आप ये सारी गर्म चीज़ें खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में जाएगा, तो ये और ज़्यादा गर्म करेगा बॉडी, ठीक है। और इसकी वजह से पिगमेंटेशन मेलास्मा ये कम नहीं होगा, और ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो देखिए जो पिगमेंटेशन मेलास्मा है ना, अगर आपके पहले लेयर्स में है स्किन का ना, 6-7 लेयर्स होते हैं, अगर पहले लेयर्स में दूसरे लेयर्स में है ना, तो आपका पिगमेंटेशन मेलास्मा ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अगर 6-6 लेयर्स में अगर घुसे पड़े हैं और आप ये डाइट ले रहे हो और आप अलग अलग तरीके का क्रीम लगाए हो, ऑलरेडी स्किन पतली हो गई है, तो देखिए पिगमेंटेशन मेलास्मा जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डाइट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा गर्म करता है। देखिए आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, कोई कितना भी अच्छा आप DIY फेस पैक फेसियल कर लीजिए, कितना भी आप वर्कआउट कर लीजिए, खुश रह लीजिए, तरह तरह की चीजें यूज कर लीजिए, लेकिन देखिए अगर आप डाइट अच्छा नहीं करेंगे ना, तो आपकी पिगमेंटेशन मेलास्मा नहीं जाने वाली है। अगर आप गर्म चीजें ही खा रहे हैं तो आपकी पिगमेंटेशन मेलास्मा नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, मुझे एक दो कमेंट आया था कि मैम हम तो यही डाइट कर रहे हैं और करेंगे आगे, गो फॉर इट, आप जाइए करिए, लेकिन आप बाद में मुझसे हेल्प मत मांगिएगा, कमेंट मत करिएगा कि मैम हमने मैंने छोड़ दिया, मैं हार गई, इस डाइट से कुछ असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई बंदी आपको बता रहा है कि हमने ये झेला है, भाई मैं अपना पिक्चर भी लगा देती हूँ बार बार कि इस तरीके से हमारा चेहरा हो गया था, इतना गंदा हो गया था कि कोई भी मेकअप नहीं करती थी मैं, इतना बुरा लगता था मुझे, तो वही बात मैं कह रही हूँ कि बस आप अपने डाइट पर ध्यान रखिए। डाइट अच्छा लेंगे, अंदर से बॉडी सही होगी ना, तो आप प्रोडक्ट जो आप मैं बताई हूँ ना, वो भी आपको जल्दी से जल्दी काम करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आप अच्छे से प्रोडक्ट यूज करिए, आप गर्म चीजें जितनी भी है सब छोड़ दीजिए। देखिए फ्लैक्स सीड नहीं लेना है, चिया सीड नहीं लेना है, ड्राई फ्रूट नहीं लेना है, दूध से बनी चीजें आपको नहीं लेना है। अगर आप एडिक्टेड आपको चाहिए तो छोटी गिलास में आप दूध लीजिए और दही खाइए अगर खाना हो तो, ठीक है। आपको बाजरे की रोटी नहीं खानी है, घी आप नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर थोड़ा सा खा रहे हैं तो ठीक है। गुड़ नहीं खानी है, शुगर नहीं खानी है, पैकेट की जितनी भी चीज़ें वो नहीं खानी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सब पे ध्यान देंगे ना, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है ना, वो बहुत जल्दी कम होगा, ठीक है। जो भी फेसियल्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। जई का उपटन मैं बोलती हूँ बार बार कि आप ऐसी उपटन बना के लगाइए, जई का उपटन बना के लगाइए, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जायफल दूध में घिस घिस के लगाते रहिए, लेकिन देखिए ये मसाले होती हैं और थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए नुस्खे हैं, DIY हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे आपको काम करेगा, ठीक है। तो इसको दूध में घिस के आपको यहाँ पे स्किन में, जहाँ पे आपको है पिगमेंटेशन, जहाँ पे भी है आप लगाएंगे, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा मत रखिए और अल्टरनेट लगाइए, क्योंकि ये मसाले हैं थोड़ा तेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और वर्कआउट करिए। नुस्खे जितने भी मैं बताती हूँ वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन वाले चेहरे पे सब टेस्ट होता है, टेस्टेड होता है, और वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को गाँव में पिगमेंटेशन मेलास्मा होता है, आप देखियो उनकी पिगमेंटेशन और तेजी से फैला रहता है, पूरा ब्लैक ब्लैक लगता है और चमकदार रहता है, क्योंकि वो 6 लेयर्स तक घुसे पड़े हैं ना, पूरे अच्छे से जम गए हैं, अपना घर बना लिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखिए मैं ना बहुत सारी लेडी से बात भी की हूँ, उनसे पूछी हूँ कि आप दूध खाते हो, भाई बहुत दूध पीती हूँ, घी खाती हो, बोलती बहुत घी खाती हूँ, फ्लैक्स सीड वगैरह
ये सब अलसी के बीज के। हाँ हम लोग तो लड्डू बना के खाते हैं, हम लोग तो ये खाते हैं वो खाते हैं, इसमें तो सारी चीज जितनी भी गर्म चीजें है ना सारी चीजें वो खाते थे, ठीक है खाते हैं अभी भी। उनकी पिगमेंटेशन मेलाज्मा मैं समझ गई कि इसकी वजह से और तेजी से फैल रहा है, क्योंकि देखिए मेरी भी एक टाइम में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन था, क्योंकि मैं लड्डू खाती थी, अलसी का चिया सीड खाती थी, ड्राई फ्रूट खाती थी, और घी तो भाई पूछो मत, मैं दाल चावल रोटी सब जहाँ भी जो भी खाना खाती थी उसमें डाल लेती थी और खाती थी, ठीक है गुड़ खाती थी, शुगर खाती थी, सारी चीज़ें पैकेट की चीज़ें खाती थी, सब कुछ खाती थी, और जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ना मैं भर भर के खाती थी, मुझे लगता था कि प्रोटीन है मेरे बॉडी में जाएगा। पनीर खाती थी, बहुत ज़्यादा पनीर खाती थी, सोयाबीन, सोयाबीन की बड़ी, दाने, सारी चीज़ें खाती थी, मस्त खाती थी एकदम, और कोई भी रुकावट नहीं आता था खाने पीने में मेरे, और खाती थी चाय कॉफ़ी सब पीती थी, और पिगमेंटेशन इतना गंदा हो रखा था ना कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता था कि मैं तो इतनी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ फिर भी मेरा पिगमेंटेशन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि देखियो यही सवाल हर लड़कियों के अंदर आएगा कि हम तो अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तब भी हमारा पिगमेंटेशन मिलास में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। वही मेरे अंदर भी आता था, क्योंकि हम गर्म चीज़ें खा रहे थे यार, गर्म चीज़ें। और पता है ये सारी चीज़ें ना एक अच्छी लड़की ही बता सकती है, एक जेन्युइन। इस पे मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च था, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे स्टडी किया, बहुत ज़्यादा जो मेरी डंडोलॉजिस्ट थी एक बार तो मैं उनसे मिली थी, क्योंकि देखिए उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी, और एक बार मुझे उनसे नॉलेज मिल गई ना तब मैं इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दी। जब आप इसके बाद इसके पीछे पड़ जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली जो रूट कॉज होता है ना वो क्या है, तो रूट कॉज जो है ना मुझे पकड़ में आ गया, ठीक है। तो देखिए पिगमेंटेशन मेलाज्मा जो है ना, अगर आपको एक बार चेहरे पे हो गया ना तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है 99% जा सकती है लेकिन 1% लाइट रहेगी ये, और हाँ जी किसी किसी के केस में ये 100% जाती है, ठीक है। तो मेरी देखिए 99% चली गई है, आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ थोड़ा सा हल्का सा पिगमेंटेशन यहाँ पे है, हल्का सा, बहुत ही लाइट, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखता है, विजिबल नहीं है इतना बहुत ज़्यादा, और स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है। और जब भी आप धूप धूप में जाइए, सनलाइट में जाइए, सनस्क्रीन लगा के जाइए या फेस को अच्छे से कवर करके जाइए, डायरेक्ट सन में मत जाइए। तो जितनी भी देखी मुझे नॉलेज था, जितनी भी चीज़ें मैं जानती थी आप लोगों से मैंने शेयर किया है। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है, तो प्लीज़ आप अपनी डाइट को अच्छा करिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। ठंडी ठंडी चीज़ें का मतलब ये है कि फ्रिज में से निकाल के नहीं खाना है, जो आपकी बॉडी को गर्म ना करे, ठंडा करे, वो चीज़ें खानी है, ठीक है। धूप में जाने से पहले आप सनस्क्रीन लगा के जाइए, फेस को कवर करके जाइए, डायरेक्ट आप ऐसे ही सन में मत जाइए, क्योंकि देखिए सन का जो लाइट है, जो रेज है ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और वो चेहरे को स्किन को पूरा जला देता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट नीचे करिएगा, जो भी आपको क्वेरीज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो जरूर आपको डालूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।